हाय गाइस, स्वागत है आप सभी लोग का आपके यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ आप सिर्फ 2 मिनट के अंदर में अपना पैन कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हो, वो भी दोस्तों बिल्कुल फ्री में। दोस्तों, कोई पैसा नहीं लगने वाला है। दोस्तों, आपके पास एक एंड्रॉइड मोबाइल है तो उससे कर सकते हो अपना पैन कार्ड डाउनलोड। वो भी कैसे करना है दोस्तों, मैं आज की वीडियो के अंदर में बताने वाला हूँ। दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर घंटे को प्रेस कर लेगा, ऐसी ऐसी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। फ्रेंड्स, चलिए, जिसका कि दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ने वाली, उस एप्लीकेशन का नाम दोस्तों डिजिटल लॉकर। दोस्तों, इस एप्लीकेशन का लिंक अपनी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो, सिंपली जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, चलिए मैं इसको ओपन करता हूं। फ्रेंड्स को ओपन करते ही आपके पास दूसरा इंटरफेस खुल के यहां आपको देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, यहां पर आधार कार्ड भी आप डाउनलोड कर सकते हो, बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पर दिया, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हो। फ्रेंड्स, आपको ऊपर में देखना है, साइन इन में क्लिक करना है, दूसरा इंटरफेस खुल के फिर आपके पास आएगा। फ्रेंड्स, यहाँ देखने को आपको मिलेगी, देख सकते हो। फ्रेंड्स, आप लॉगिन पहले से तो यूज़र पासवर्ड डालकर लॉगिन कर सकते हो। आप न्यू हो तो क्रिएट योर डिजिटल लॉकर अकाउंट पे क्लिक कर अपना अकाउंट बनाइए। मैं लॉगिन करता हूँ, मैं पहले से लॉगिन हूँ। और फ्रेंड, 3 ऑप्शन है, आधार कार्ड से लॉगिन कर सकते हो, मोबाइल नंबर से, यूज़र नेम से। मुझे आधार नंबर से करना है, चलिए आधार नंबर डालता हूँ मैं। आधार नंबर डालते ही आप लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, आपको एम पिन सेट करने का आएगा। एम पिन आपको सेट करना है फ्रेंड्स, 1 से 6 भी कर सकते हो, कोई सा भी डाल सकते हो। और फ्रेंड्स, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, आपके पास आपका अकाउंट पूरा सक्सेसफुली इसमें हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब मुझे यहाँ पे डाउनलोड करना है पैन कार्ड। यहाँ आप फ्रेंड्स, आपको 3 डॉट पे जाना है। 3 डॉट पे जाते हैं, यहाँ पे इशू डॉक्यूमेंट पे जाना है। इशू डॉक्यूमेंट पे लिखे यहाँ फ्रेंड्स, आपको लिखना है सर्च बार में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑल स्टेट पे क्लिक करना है। और नीचे में लिखा है पैन वेरिफिकेशन रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। इस पर जैसे ही रिकॉर्ड करेंगे फ्रेंड्स, आपके पास दूसरा इंटरफेस खुल जाएगा। फिर आधार नंबर लिखा है आपका, आधार नेम लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, जनरल लिखा हुआ है। और फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे पैन नंबर डालना है। पैन नंबर डालते फ्रेंड्स, आप पैन में जो नाम है पैन कार्ड में वो नाम डालना है। और फ्रेंड्स, इस पर क्लिक करते ही सब कुछ आप अपना डॉक्यूमेंट्स फिल करते हैं। फ्रेंड्स, आपको गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते फ्रेंड्स, आपके पास दूसरा इंटरफेस खुल के यहाँ पे आपको मिलेगा। फ्रेंड्स, देख लगता है योर वेरिफिकेशन रिकॉर्ड इस सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है, मेरा पैन कार्ड डाउनलोड हो चुका है। अब मुझे पैन कार्ड देखना है तो इशू डॉक्यूमेंट पे जाना है। इशू डॉक्यूमेंट पे जाने के बाद यहाँ लिखा देखिए, आधार कार्ड पैन वेरिफिकेशन रिकॉर्ड यू मंग। मुझे पैन वेरिफिकेशन नंबर पर क्लिक करना है। अभी डाउनलोड हो जाए फ्रेंड, देखते हैं मेरा पैन कार्ड यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। मेरा नाम है, मेल आ गया, डेट ऑफ बर्थ आया है, पैन नंबर आया है, डिजिटल लॉकर QR आया है। फ्रेंड्स, इसी तरह फ्रेंड्स, आप भी किसी का भी, अपना भी, किसी सदस्य का भी पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से। फ्रेंड्स, चलिए मैं बैक आता हूँ। फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो को पसंद हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स का शेयर कीजिए। चलिए मैं आपसे